लोग, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे और बहुत बिजी रोड है, बहुत बिजी रोड देख सकते हैं आप लोग, बहुत रश है यहाँ पर। और मैं आज जो है बहुत ही फेमस चाट खाने आया हूँ। कौन सी चाट है मैं आप लोगों को पीछे दिखाता हूँ, अब्दुल रहमान चाट है। इधर भेलपूरी भी है, बहुत फेमस है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है। कैसे तैयार होती है ये यूनिक तरीके से और कितने की है, सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चले आज तो ये देख सकते हैं भाई, भेलपूरी हमारी शानदार तैयार हो रही है। ये क्या चीज़ है भाई? ये काले चने। काले चने इसके किसमें, मतलब किसमें बने हुए हैं ये काले चने भाई? ये कड़ी में सब निकाल के डालते हैं, नहीं तो लोग उबले हुए डालते हैं। अच्छा, ये कड़ी में से निकाल, कड़ी से निकाल के डालें। और ये देखिएगा ये भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और ये क्या, आलू? ये आलू डालेंगे। ओए होए, जबरदस्त आलू लग रहे हैं भाई, VIP वाले आलू लग रहे हैं, वो मसालेदार। ये देखिएगा सबसे जबरदस्त चीज ये पापड़ी जो होती है ना, मेरी फेवरेट है। अच्छा यार, ये तो बड़ी शानदार भेलपूरी लग रही है। ये हो गया भाई, ये मुरमुरे हो गए, मुरमुरे हो गए भाई। बाकी अब इसका, और ये देखिए ये क्या चल रहा है, ये कौन सा? ये आलू का मसाला, ये अपने हाथ का बना हुआ होता है हमारे घर। अच्छा। का ये मिलेगा पानी है, ये चटनी है, पुदीने की चटनी है। ओह जबरदस्त भाई, पानी डालते हैं इसके अंदर पूरा। ओहो जबरदस्त हो गया भाई, प्याज डलेगी। हाय हाय हाय, रायता डलेगा। ये देखिएगा भाई रायता, और बड़ी शानदार लग रही है चटनी आलू यार। ये तो मतलब एक जायके का समंदर नहीं हो गया। बाकी ये देखिए चाट मसाला, बाकी ये सारा इसका निगोट है, चने की दाल, पिनट वगैरह, ये सब। ओह भाई जबरदस्त हो गया भाई। अब ये क्या है भाई? ये सर ये धनिया, ये आपकी प्लेट हो गई रेडी। ये देखिएगा भाई, भाई जबरदस्त, ये तैयार हो गई, ये आपकी प्लेट रेडी। ओए होए होए होए, जबरदस्त भाई जबरदस्त। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, बहुत ही शानदार लग रही है। इसका जो टेस्ट होगा बस उसका मैं आपको रिव्यू शेयर करता हूँ। अब इसके बाद चाट बनेगी, वो भी किस तरह बनती है, वो किस शानदार तरीके से बनती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो देखिए आप अभी भेलपूरी बनाई शानदार तरीके से, अब बन रही है चाट। ये देखिएगा भाई चने डाल दिए, ये देखिएगा ये ज़बरदस्त चने डाल दिए, आलू। ये देखिएगा अबे यार आपके पास तो भाई बड़े ज़बरदस्त यार आइटम में हम डालते हैं यार, कटिंग वगैरह की तो बड़े अच्छे स्किल्स हैं आपके पास। ये काम हम अरे माशाल्लाह जबरदस्त। कितनी पुरानी शॉप है ये? ब्रांच ये जो हमारा नया है, आगे मेमन हॉस्पिटल वाली गली में जाओ वहाँ पे हमारा ब्रांच है, 35 साल पुराना। अरे भाई जबरदस्त। ये देखिए जो भाई प्याज वगैरह डाल के जो चटनी डाली ना, वो मुंह में पानी आ जाता है यार सर, फौरन से जाके बस खानी है। और आलू बुखार है वो बोल के चटनी। ओए भाई जबरदस्त, ये बस टेस्ट फ्रेंड करेगा। ये आपकी चाट रेडी है? चाट भी रेडी हो गई भाई, भेलपूरी भी रेडी हो गई। तो मुँह में तो मेरे पानी आ गया है, आप लोगों के भी मुँह में पानी आ गया होगा। बस अब चलते हैं, इसका टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई, खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हो? यू कराची से। यू कराची, इतनी दूर से आए हो, क्या खाने आए हो जो इतनी दूर से आ गए? गोलगप्पे आ गए। गोलगप्पे कैसे हैं यहाँ के? ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है। VIP क्या दूसरों को मशवरा देते हो, आए खाने या नहीं आए? आए खाने आपके यहाँ पर। डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ा मुख्तलिफ है टेस्ट जी, मुख्तलिफ टेस्ट है। मुझे क्या मशवरा देते हो कि भेलपूरी खाऊं या गोलगप्पे खाऊं, क्या खाऊं यहाँ पे? गोलगप्पे खाएं आगे आप, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। यार मैं तो भेलपूरी खाने आया हूँ, चलो आप वो खा के देख लें। चलें चल चलो, क्या नाम बताया था? फरहान। फरहान भाई बहुत शुक्रिया, चलो भाई इंजॉय करो। शानदार तरीके से बनाई है, देखिएगा भेलपूरी और ये है चाट, ये देखिएगा भाई वाह, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई है। मेरे तो मुँह ही पानी आ गया था जब बन रही थी। खैर अभी मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी इसका शेयर करता हूँ, पहले भेलपूरी का करूँगा क्योंकि मैं भेलपूरी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा एक ख़ास बात इसकी है, इसको मिक्स करके नहीं खाते, फर्स्ट बाइट लेते हैं। आलू तो मतलब गायकों का ये समंदर है, इसमें इतनी चटनियाँ हैं, मीठी खट्टी बहुत सारी चटनियाँ इन्होंने डाली, तो एक जायके का समंदर है ये। खैर बस बाइट मेरी रेडी होगी, अब बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
जबरदस्त तीखा, थोड़ा सा ज़्यादा है। जिनको खाने का शौक है तीखा तो उनके लिए तो बेहतरीन है। वैसे बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। मीठा का मीठा भी जायका आ रहा है, खट्टा भी आ रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक और बाइट आप लोग साथ में शेयर करता हूँ। चटनियाँ जो है ना, चटनियाँ फिर ऊपर से जो पापड़ी डाली हुई है, बहुत टेस्टी लग रही है। सेकेंड बाइट, बहुत टेस्टी है। अच्छा स्पाइसी, अगर स्पाइसी लेवल की बात की जाए स्पाइसी इतनी नहीं है, खट्टी है, मज़ेदार है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं चाट भी कभी रिव्यू देता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। चाट देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से बनाई है। देखिए चनों की चाट है और बहुत सारे इसमें मसाले डाले गए और ऊपर से जो मिर्चें डाली गई है ना, वो बड़ी टेस्टी है। चने और ये आलू ज़बरदस्त। ये देखिए ना भाई, चाट का पहली बार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह, चाट तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त इसकी चाट है। चटनी का जो कंपैरिजन बना हुआ है ना, तो तीनों चटनियों का बहुत आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। चाट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़बरदस्त चाट है। इसमें मतलब सारी चीज़ें बैलेंस हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करेंगे। एक और बाइट लेते हैं। वाह, बहुत बेहतरीन है। चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। भेलपुरी की निस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे चाट बड़ी मजे की लगी। भेलपुरी में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, हो सकता है इसमें ऐसे भी हो। बहुत ज़बरदस्त है। लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे मेन आएंगे तो अब्दुल रहमान चाट के नाम से है ठेला है दिया, बहुत ज़बरदस्त है। और उसके सामने बिल्कुल शॉप 999 है, 120 रुपये की प्लेट है, बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं अपना ऑर्डर इन्जॉय करूँगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोस्तों मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।